नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की। हाँ जी, आ गई खुशखबरी यूपी टेट की। यूपी टेट होने वाला है बहुत जल्द और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कितनी है उसकी फीस और कब होगा एग्ज़ाम, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने जो है आप पोस्ट डाली है यूपी टेट 2019 ऑनलाइन फॉर्म की। पोस्ट डेट जो है वो है 18 अक्टूबर 2019 सुबह 7:14 पे ये नोटिफिकेशन आया है कि अब एग्ज़ाम होने वाला है और इसकी पूरी डिटेल जो कि अभी तक टेंटेटिव है बट हो सकता है यही फिक्स डेट हो, तो ये पूरी डिटेल जो है आ चुकी है ऑनलाइन साइट पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम पहले बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है, वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रहेगी, दोनों के लिए सेम है। एससी और एसटी के लिए 300 रुपये रहेगी और हम इसकी पेमेंट एसबीआई कलेक्ट फी मोड द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग को यूज़ करके। तो इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं सर। यूपी टेट के लिए पहली बात तो लैंग्वेज जो यहाँ पे अवेलेबल है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत है, ठीक है। और प्राइमरी लेवल के जो टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो है 12th क्लास में 50% मार्क्स हो और साथ ही में 4 साल की BLED डिग्री हो। अगर ऐसा फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसके बाद दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साथ में BEd होनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं होती तो नेक्स्ट कैटेगरी है डिप्लोमा इन टीचर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU से आपका डिप्लोमा होना चाहिए टीचर एजुकेशन का, ओके। मुअल्लिम ई उर्दू एग्ज़ाम पास्ड, तो दोस्तों मुअल्लिम ई उर्दू एग्ज़ाम पास होना चाहिए इसके। और नेक्स्ट है DEd स्पेशल एग्ज़ाम पास होना चाहिए, या फिर लास्ट जो एलिजिबिलिटी है वो है 2 साल का BTC हो और स्पेशल BTC एग्ज़ाम पास किया हो। तो दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी प्राइमरी लेवल की। तो यहाँ पे जूनियर लेवल की बात कर लेते हैं कि जूनियर लेवल में क्या एलिजिबिलिटी रखी है इन्होंने। जूनियर लेवल में एलिजिबिलिटी रखी है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ और साथ ही में BEd या फिर BEd स्पेशल एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और सेकंड जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में BTC ट्रेनिंग 2 साल का जो होता है उसका एग्ज़ाम पास होना चाहिए। एंड थर्ड कैटेगरी है आपकी 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ BLED 4 साल का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद लास्ट जो एलिजिबिलिटी है जूनियर लेवल के लिए वो है 12th क्लास में 50% मार्क्स से आपका 12th होना चाहिए और साथ ही में BSc 8 एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एलिजिबिलिटी की बात। तो दोस्तों अप्लाई हम कब कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए हमें देखना होगा कि लिंक कब एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिंक है वो 1 तारीख को एक्टिवेट होने वाला है, लिंक 1 तारीख को एक्टिवेट होने वाला है और 1 तारीख से ही आप अप्लाई कर सकेंगे, 1 नवंबर से आप अप्लाई कर सकेंगे इसको और बाकी की डिटेल आपको अपडेट होने के बाद दे दी जाएगी। तो दोस्तों अगर इस तरह के नोटिफिकेशन या फिर एजुकेशनल वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर यूपी टेट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।